गौरव भाटिया जी अगर इन बातों का जवाब दें तो बेहतर है। चलिए आज जी न्यूज पर इनके सवालों का मैं उत्तर देने के लिए भी तैयार हूं। एक सवाल मैं पहले पूछ रहा हूं जो देश पूछ रहा है, आप उसका उत्तर दीजिएगा, मैं तुरंत आपके कोई भी सवाल जो आप पूछेंगे उत्तर दूंगा। देखिए आपको इसलिए हक नहीं है कोई सवाल पूछने का, ये तस्वीर देखिए, ये चीन के जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ समझौता 2008 में राहुल गांधी कर रहे हैं। हमने बार बार मांग करी कि इस समझौते को एमओयू को आप सार्वजनिक कर दे। मैं सुरेंद्र राजपूत जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या इसको राष्ट्रहित में सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, क्या देश का हित कांग्रेस पार्टी के इस समझौते से ऊपर नहीं है, तो इसको आप बताइए इस समझौते में क्या लिखा है, और दूसरी बात ये सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा, और आप जो सवाल पूछेंगे मैं उत्तर दूंगा। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए। बिल्कुल पूरी अदिति जी आज बड़ा अच्छा आपने मंच सजाया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो एक चीज कहता हूं कि हम चीन की बात करते हैं, ये चंदे की और एमओयू की बात करते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं अगर कोई एमओयू कांग्रेस पार्टी ने किया हो, कोई देश के खिलाफ एक शब्द उस एमओयू में हो, कोई चंदा लिया हो, आप हमें जेल भेज दीजिए, हमें फांसी दे दीजिए, बिल्कुल हम तैयार हैं हर चीज के लिए। आप जांच करिए, एनआईए आपके पास है, आपके पास रॉ है, आपके पास आईबी है, जांच कीजिए। ये विषय जो है सोशल मीडिया पे उठाने का या प्रिंट मीडिया पे उठाने का या जी न्यूज पे उठाने का नहीं, हमें फांसी देने का है, जांच कीजिए, फांसी दे दीजिए। हमारी इन सब चीजों के पीछे आप छुपते क्यों हैं? हम तो बहुत क्योंकि हम विषयांतर नहीं करेंगे, हम तो कहते हैं फांसी दे दीजिए। हमारी इन सब चीजें क्या आपको अधिकार देती है कि हमारे 20 सैनिकों के हत्यारे से हाथ मिलाएं? हमारी ये एमओयू या ये आपको इजाजत देती है, चंदा इजाजत देता है कि आप जाकर के चीन से व्यापार घाटा 7 गुना करें, 11 गुना करें? जल्दी जल्दी, मेरे पास दो और पैनलिस्ट हैं, एक भी कमेंट का अभी तक मौका नहीं मिला। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स आपका जवाब। ये कह रहे हैं कि चलिए हमने एमओयू साइन कर लिया, हमने चंदा ले लिया, आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, एजेंसीज आपके पास हैं, कर लीजिए इन्वेस्टिगेशन, हम दोषी हैं, सजा दे दीजिए। लेकिन तवांग में जो कुछ हुआ है या इससे पहले गलवान में जो हुआ है, कम से कम उसकी जिम्मेदारी तो आप लीजिए, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। अदिति जी देखिए, मैं जितना सुरेंद्र जी के जवाब को समझ पाया, उन्होंने इससे इनकार नहीं किया कि एक एमओयू पार्टी टू पार्टी साइन हुआ था, उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वो इसे सार्वजनिक करेंगे। आराम से, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुद्दा क्या है जनता तय करेगी, उसकी आप थोड़ी ना भाई देश के मुद्दे आपके बीच में मैं बोला नहीं था, कमजोर प्रधानमंत्री है, मैं आपके बीच में बोला ही नहीं था, इसीलिए मैं बोला नहीं था। ठीक है तो आदित्य जी, मैं केवल इतना कहूंगा कि अगर कांग्रेस वाले चाहते हैं कि उनके जो नेता हैं जिन्होंने देश से गद्दारी करी है, भ्रष्टाचारी तो ये है ही, उनको फांसी होनी चाहिए। दिमाग खराब तो नहीं हो गौरव भाटिया, गद्दार हो तुम, तुम्हारा खानदान और तुम्हारी पूरी पार्टी। निजी टीका टिप्पणी नहीं, निजी गद्दार तुम हो, आराम से ये नहीं है टीका टिप्पणी, राहुल गांधी को गद्दार कहेगा नहीं, और यहाँ पर आप सभी मर्यादित तरीके से बात करने में सक्षम है और मर्यादित तरीके से बात कीजिए, सबसे कह रही हूँ मैं, निजी टीका टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर आइए सर। नहीं ये गद्दार कहेगा, नहीं नहीं आप सुन लीजिए ना, आप अपनी बारी में काउंटर कर लीजिए, कोई यहाँ पर किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, पहली बात तो आपको... नहीं 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 बिल्कुल नहीं, आपके चैनल पर अगर कोई राहुल गांधी को गद्दार कहेगा आदित्य, सुन लीजिए ध्यान से, मैं ना देशभक्ति का सर्टिफिकेट देती हूँ सुरेंद्र राजपूत, ना गद्दारी का, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, वेरी क्लियर ऑन दिस चैनल, ना देशभक्ति का सर्टिफिकेट देता है ना गद्दारी का सर्टिफिकेट देता है। आपके आपकी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी बोलते हैं, मैंने उस पर भी ऑब्जेक्ट नहीं किया जब गौरव भाटिया ने कहा गद्दार बोला किसी को, नहीं नहीं आप सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, मुझे मुद्दे पर बात करने दीजिए, गद्दार बोला किसी को, सुन लीजिए ध्यान से, मुझे मुद्दे पर बात करने दीजिए, तवांग सेक्टर में जो हुआ है उसके बारे में देश की जनता जानना चाहती है, आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उस राजनीति के बारे में बात कर रही हूं मैं, और इसे डिस्ट्रैक्ट मत कीजिएगा बिल्कुल भी, बिल्कुल मत डिस्ट्रैक्ट कीजिएगा, नेशनल सिक्योरिटी पे बात हो रही है। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स आपका जवाब, इनका सिंपल सा सवाल है, कह रहे हमने तमाम पाप किए हैं, हमें सजा दे दीजिए, हम फांसी पे, राहुल गांधी को गद्दार, सुरेंद्र राजपूत प्लीज,
ये कह रहे हैं हमने पाप किए हैं, फांसी पे लटका दो, लेकिन तवांग और गलवान को लेकर जवाब दो, इनका सवाल है, जल्दी से 30 सेकंड्स, उसके बाद वारिस पठान और बिट्टा सर प्लीज। यस अदिति जी एक मिनट दे दीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर हम गद्दार हैं तो हमें फांसी की सजा हो जाए, तो मैंने कहा गद्दारी जो आपने की है, जो सजा कानूनी बनती है वो होगी। राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन कांग्रेसियों को भी पता है कि राहुल गांधी ने गद्दारी की है, चाहे वो दोकलाम हो, चाहे वो ये समझौता साइन करना हो, इसलिए खुद ही उसका नाम लेने लगते हैं। दूसरी बात, चैनल पर बार-बार बीच में आप बोलिए प्लीज जा रही है, और अगर इस तरीके से आपको बहस, आपने बोला मैंने राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया, मिस्टर राजपूत, मैंने किसी को गद्दार नहीं बोला, ना मैंने भाजपा को बोला, मैं आपको चुनौती देके कहता हूँ, सुनिए, किसी देश के बीच में मत बोलिए, और मैं आपको चुनौती देके, एक सेकंड सुनिए, आप जितना टाइम जाया करेंगे, मैंने नाम लिया था राहुल गांधी का, नहीं एक सेकंड, आप दर्शक का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तो एक तस्वीर, लेकिन गौरव भाटिया उसमें उसके बाद फिर एक सवाल ये होगा, जब राहुल गांधी आपकी नजर में जो भी आप उन्हें कहने की या कांग्रेस पार्टी को जो भी लेवल तमगा लगाने की कोशिश कर रहे एजेंसी आपके पास, उन्होंने पहले ही कह दिया ना, उन्होंने पहले ही कहा हम पापी हैं तो चढ़ा दो फांसी पे, कब मना किया हमने, उन्होंने यही तो कहा था थोड़ी देर पहले। अदिति जी मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो राजीव गांधी फाउंडेशन में इन्होंने 1,35,00,000 रुपया चीन से लिया है, उस पर जांच चल रही है, और इसी तरह से जाकिर नायक फाउंडेशन से भी 50,00,000 लिया था। जो भी देश के खिलाफ है उससे कांग्रेस पार्टी वसूली करती है, अपना रुपया लेती है, इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि आप बताइए उस एमओयू में क्या है। लेकिन एक बड़ी बात जो मैं दोहराता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी की हिम्मत नहीं है कि 1 इंच भूमि भी भारत की कब्जा ले, और जब रक्षा मंत्री ये बात कह दें, और इससे पहले सेना ने भी कही है, तो कांग्रेस पार्टी को सेना पे यकीन होना चाहिए, लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा बुलाते हैं, और ये सर्जिकल स्ट्राइक का भी प्रूफ मांग रहे थे, तब दुख होता है। और अदिति जी ये बात कह के अंत करूंगा कि कम से कम आज के वक्तव्य के बाद आपको भारत के साथ खड़े रहना चाहिए, ये नहीं कि भारत की छाती पर खंजर लेके छल्ली करें, जब 135 करोड़ भारतीय एक साथ हैं तो आप भी भारत के साथ खड़े होइए। ठीक है, ये सवाल मैं वारिस पठान इस पर आपका भी जवाब लूंगी, सुरेंद्र राजपूत आपका भी जवाब लूंगी, जो बड़ी खबर है वो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। कल विपक्षी दलों की बड़ी बैठक है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट है उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है, चाइना समेत कई मुद्दों पर इस मीटिंग में रणनीति बनेगी, सुबह 10 बजे का वक्त रखा गया है, और संसद में विपक्ष अपनी रणनीति तैयार करने जा रहा है, कल सुबह 10 बजे ये जो मीटिंग होने जा रही है विपक्षी दलों की, ऑपोजिशन की बड़ी बैठक जिसमें चाइना समेत कई मुद्दे हैं जिन पर रणनीति तय करने की बात की जा रही है।